अबे भाई ये तो कुछ भी नहीं है। कल साला प्रेम ज्यादा हिकरी मार रहा था, अब देखा ना क्या हुआ उसके साथ। अबे भाई इसलिए मैं तो कुछ भी ऐसा कमिट नहीं करता। भाई सुन, हम ना सच में बहुत लक्की हैं कि हमारा कोई रूम पार्टनर नहीं है, नहीं तो साली आधी जिंदगी तो उधर ही खराब हो जाती है। सही कह रहा है भाई। भाई साहब देख ले, अभी तो लैंडलॉर्ड का सब्जेक्ट चल रहा था और मेरे वाले का तो कॉल भी आ रहा है। तो उठा ले भाई। अबे चल ना, कुछ दिन मैं भी तो आराम से जी लूं जब तक वो यहाँ पर नहीं है, नहीं तो साला सुबह सुबह आ जाता है इमराज की तरह, किराया दो किराया दो। बड़े हराम ही हो रहे हो साले, जिस दिन लौटेगा ना वो तेरी क्या के लेगा। अबे तब की तब देखी जाएगी, थोड़ा सा तो आराम से मैं भी जी लूं यार, थोड़ा सा तो चैन तो मैं भी डिजर्व करता हूँ भाई। नो रूममेट्स नो लैंडलॉर्ड। भाई जरा ना होल्ड कर, दरवाजे पे कोई आया है। देख जरा कहीं तेरा यमराज, सॉरी लैंडलॉर्ड अपनी तशरीफ ना ले आया हो। फट साले। नजरों से क्यों जलाती हो आग चाहत की, जलाकर क्यों बुझाती हो आग चाहत की, सर्द रातों में कराती हो तपन का एहसास, हवा देकर क्यों बढ़ाती हो आग चाहत की। कितना बेवकूफ है ये लड़का, हे राम तूने मुझे कहाँ भेज दिया। तार लिया तो जाओ, हटो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए। आई होप कि ईयू कितना गंदा कमरा है। एनीवे आई होप कि तुम्हें मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और तुम मेरी सारी शर्तें मंजूर भी हो गई होगी। अरे मेरी माँ तुम हो कौन, और मेरे को एक बात बताओ, कौन सी इन्फॉर्मेशन और कौन सी शर्तें। सुनील जी से बात कर लो, वो सारी बातें तुम्हें विस्तार में समझा देंगे। अंकल ये सब क्या है। अबे ओ नल्ले बेरोजगार, जिस तरह तुझे मैंने अपनी शरण दे रखी है उसमें तुझे एडजस्ट करना आना चाहिए, और अकेले रहना है तो पूरा किराया देना आना चाहिए। लेकिन अंकल मैं तो आपका पूरा पेमेंट करने वाला था। और उसने कर दिया पूरे 3 महीने का एक साथ। गॉड ब्लेस द चाइल्ड। अंकल मैं भी तो चाइल्ड हूँ। अबे तेरे जैसे चाइल्ड होने से अच्छा है कि चाइल्ड हो ही ना। और वैसे भी तुझे तो खुश रहना चाहिए कि आखिर रूममेट मिली भी तो लड़की। अंकल इस उम्र में तुम ऐसी असली बातें कर रहे हो, आंटी को बताऊं क्या। अबे पहले पूरा किराया दे मेरा, फिर आंटी के पास जाइयो। सब बोलो साले ठरकी बढ़ाऊ। क्या हुआ इतनी सी कोई पीता के मरना है क्या तुमको। हे भगवान ये बवाल तूने मेरे जीवन में कहां से भेज दिया। अब क्या हुआ। वो कॉकरोच भी है। वो कॉकरोच नहीं है, मेरा पेट है। ठीक है व्हाटएवर, ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। नो स्मोकिंग नो कॉकरोच, आज ये रूम मेरा है, तुम्हारे वाले रूम में सो सकते हो। एक्सक्यूज मी, ये ना कमरा मेरा है, तुम बाहर जाके सोना। ठीक है यार कैसे से हो तुम, तुम्हारे हो तो एक कमरे में बाहर सोए तो अच्छा लगेगा क्या। तुम्हारी मम्मी ने ये सिखाया है क्या। सही तो है वेंचो, तू बेकार में लोड ले रहा है, रूममेट सेक्सी तो है तेरी। अबे सेक्सी, अबे साले तेरे को इतना इंटरेस्ट आ रहा है तो तू बुला ले उसे अपने पास। भाई मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे अपनी बैचलर लाइफ खतरे में नहीं डालनी। अबे साला तू ये सब छोड़, साला अपने ही घर में सुट्टा मारना दुश्वार हो गया, साला अपने ही घर के टॉयलेट में छिप छिप के मारना पड़ता है।
आदत डाल ले अपनी न्यू लाइफ की। अजी घंटा मेरा सारा डटता थोड़ी उससे मैं। साहिल जल्दी बाहर आओ, इतनी भी क्या देर लगती तुम्हें, क्या मंदिर जाप कर रहे हो तुम, बोलो। साहिल साहिल क्यों हटो वहां। Crashing in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. मैंने इसमें मैगी रखी थी। हाँ। सारी खा ली। एक भी नहीं छोड़ी। नो। मेरा शैम्पू कहाँ है? कौन से वाला? मेरा शैम्पू कहाँ है बताओ। अरे कौन से वाला शैम्पू? जितना पूछा उतना बोलो, शैम्पू कहाँ है? मुझे नहीं पता यार। ठीक है, मुझे पता है इसको चोर ने छुपाया होगा। सुन तो सही गांडू, मैं तो उसके कॉस्मेटिक को भी छोड़ा, साला वो भी पेल डाले मैंने तो। साले या तो वो घर छोड़ देगी या तेरा लैंडलॉर्ड वहां से तुझे निकाल देगा। अबे मनुष्यत, कभी तो अपने मुंह से सब सब बोलिया कर, जब भी बकता है साला गंद ही बकता है। यार साहिल, इसमें इतना ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है। चल छोड़, ये बता तेरी मैडम अभी कहां है? क्यों, तेरे को उसके साथ पार्ट पढ़ना है? अबे यार तू हमेशा मेरी टांग क्यों खींचता रहता है, बता ना। ऑफिस से आ रही होगी या फिर आती होगी, अभी कुछ ही देर में बेल बजेगी और मैं दरबार की तरह उसका वेलकम करूंगा। साले थोड़ा रहम कर ले उस पर, आके लड़की है वो। तुझे बड़ी हमदर्दी आ रही है उस पर? साले ये बता, तू मेरा दोस्त है या फिर उसका? अरे वो तो तेरा ही, लेकिन थोड़ा तो सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए भी रख यार। कितना कुछ करती है तेरे लिए, आखिर तेरी हॉस्टल लाइफ आखिर सस्टेन उसके आने के बाद ही तो हुई है। हाँ चल चल, अपने बाप को मत सिखा। क्या जवाब चाहिए तुम्हें मेरा? बाप हो तुम मेरे, ठेका ले रखा तुमने मेरा। साहिल बी योर लिमिट्स।
आरोही खाना खा लेना, आज मैं मार्केट गया था तो तुम्हारे लिए लोटस ले आया था, अंदर ही मैंने रख दी है, भूखा मत सोना, गुड नाइट। उसने मेरी वीडियो बना ली है, नाउज ब्लैकमेल मी। साहिल प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। फोन दे अपने बे, लेकिन बे फोन दे। साहिल काफ़ी अच्छा लड़का है यार, उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी है। हाँ स्टार्टिंग में शायद मैं उसे पसंद नहीं आई, इसलिए उसने मुझे बहुत तंग किया, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज। इट्स ओके यार, तुझे मिल ही जाएगा साहिल जैसा गुड फ्रेंड। कैसी बातें कर रही है? साहिल मेरा काफी अच्छा दोस्त है, बट मैंने उसके लिए कभी ऐसा कुछ फील ही नहीं किया। अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? कभी कभी कुछ खास जज्बातों को व्यक्त करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं होते हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी कल्पना विकसित की है जो शब्दों से पूरे हैं और मेरे आत्मा को खुशी से बहा देते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता चले कि तुम मेरे लिए एक सपने के सच जैसे हो, और तुम्हें अपनी बाहों में लेकर मैं बहुत खुश और खास महसूस करता हूँ। तुम्हारे बारे में कुछ इतना कमाल है कि मैं हर दिन तुम्हारे प्यार में पड़ जाता हूँ। हो सकता है कि मैंने तुम्हें बताया ना हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमने मेरी ज़िंदगी को एक दिशा दी है जो तुम्हारे मेरी ज़िंदगी में आने से पहले गायब थी। आरोही, तुम्हारे लिए जो जुनून मैं महसूस करता हूँ वो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा है।